Hey, welcome to my YouTube channel. My name is Akash and आप देख रहे हो Awaken Akash. मुझे Instagram में बहुत सारे DM आए कि स्प्लिट टोन क्या है, स्प्लिट टोन हमें समझ नहीं पा रहा है, हमारी एडिटिंग अच्छी नहीं हो पा रही है स्प्लिट टोन की वजह से, तो स्प्लिट टोन पे आप वीडियो बनाओ. तो मैं स्प्लिट टोन क्या है इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा आपको, स्प्लिट टोन क्या है और स्प्लिट टोन हम कैसे यूज करेंगे और कैसे उससे फोटो एडिटिंग हमारी अच्छी होगी. तो स्टार्ट करते हैं, सिर्फ स्प्लिट टोन के बारे में से बताऊंगा. तो देखते हैं स्प्लिट टोन इसमें किधर है, इफेक्ट में रहता है, लास्ट में स्प्लिट टोन इधर है. तो स्प्लिट टोन के बारे में पता करने के पहले हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए. जैसे इसमें आप देख सकते हो हाईलाइट एंड शेडो. तो हाईलाइट क्या होता है, पहले जो हमारे पिक में जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट एरिया होता है ना, उसे हम हाईलाइट बोल सकते हैं. जैसे देख सकते हैं एरिया पूरा हाईलाइट है. अभी शेडो क्या है, शेडो आप एक डार्केस्ट पार्ट देख सकते हो बैकग्राउंड में, वो शेडो है. ओके, आप को पता चल गया अभी हाईलाइट क्या है और शेडो क्या है. तो अभी हाईलाइट में हम जो कलर ग्रेडिंग करेंगे वो सिर्फ जो ब्राइटेस्ट पार्ट है ना उस पर ही इफेक्ट करेगा. तो आपको दिखा दो, जैसे ऑरेंज टोन बढ़ा दो, देखो सिर्फ ब्राइटेस्ट एरिया पे हो रहा है, पीछे कुछ नहीं हो रहा है. आप देख सकते हो पीछे वाले एरिया में कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान देना. देखो मैंने कम किया, सिर्फ ब्राइटेस्ट एरिया जो है ना उस पर ही हो रहा है. तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ऑरेंज टोन बढ़ा देता हूँ, हल्का सा, देख सकते हो. आपको देखना है अपने हिसाब से. येलो मैंने रखा तो येलो मुझे नहीं लगता अच्छा लगेगा, मैं ब्लू वाले एरिया में ट्राई करता हूँ, ब्लू और वायलेट वाला. ज्यादा करोगे ना तो देखो अच्छा ही लगेगा पिक एकदम. अराउंड 5 to 20, 5 to 10 रखोगे ना सैचुरेशन तो ही अच्छा मेरे हिसाब से लगेगा. 12 देखो मैंने रखा है अभी, पहले देखो कैसा था, अभी कैसा है, अच्छा लग रहा है पिक अभी. आप देख सकते हो थोड़ा दिख रहा रहेगा आपको मेरे स्किन पे और बैकग्राउंड में कलर्स वगैरह. तो अभी बैलेंस क्या है, अभी हम लोग हाईलाइट को ज़्यादा करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं. देखो हाईलाइट को ज़्यादा, हाईलाइट हमारा ज़्यादा दिखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू शेडो. तो हम ऐसे करेंगे तो हाईलाइट हमारा ज़्यादा दिखेगा और शेडो को हम लोग को अगर ज़्यादा दिखाना तो ऐसा दिखेगा. मुझे हाईलाइट ज़्यादा दिखाना है, पिक अच्छी लग रही थी पहले कैसे थी, अभी देखो कैसे थोड़ी बेस्ट लग रही है, जैसे लग रहा है प्रोफेशनल एडिटर ने. कैसे आप भी अपने फोटो एडिट कर सकते हो जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप. और मेरे चैनल में और भी वीडियो है मैंने डाले, आप देख सकते हो. और आपको मतलब कोई फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. और ये पिक जो मैंने मतलब कार लगाई है, बैकग्राउंड मैंने चेंज किया है, मैंने फ़ोटोशॉप से किया. अगर आपको फ़ोटोशॉप के भी ट्यूटोरियल चाहिए, लोगों कैसे बनाना है, लोगों मैंने देख सकते हो आप इधर डाला हुआ है कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ. आप मुझे कमेंट करना आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए. तो मेरे वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लोग को शेयर करो ताकि वो भी एडिटिंग सीख पाए. मोबाइल से इजी होती है, मतलब सिर्फ 5-10 मिनट आपको डालना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. तो आज के वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. बाय बाय गाइज़.